27 जुलाई 2015 को डिस्ट्रिक्ट जेल गिलगित से 4 हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों के फरार होने का वाकया पेश आया। वाकये के फौरी बाद फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस ऑपरेशन में SHO धनियोर गुलाम मोहिउद्दीन ने अपनी टीम के हमारा दहशतगर्दों का ताकुब करते हुए तकरीबन रात 10:30 बजे मिनावर दास में दहशतगर्दों के साथ आमना सामना हुआ। रात को अंधेरे होने की वजह से दहशतगर्दों की शनाख्त न हुई, जिस पर SHO गुलाम मोहिउद्दीन ने इस नाजुक सूरत हाल में अपने होश हवास को बरकरार रखते हुए उन्हें हथियार डालने का हुक्म दिया ताकि किसी बेगुनाह शख्स की जान का ज़िया न हो। जिस पर दहशतगर्दों ने अचानक पुलिस पर अंदाजुन फायरिंग की, जिसके नतीजे में SHO गुलाम मोहिउद्दीन को गोली लगी और जख्मी हुए। इसके बावजूद भी उन्होंने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया और एक दहशतगर्द को जख्मी कर दिया। SHO गुलाम मोहिउद्दीन की बेमिसाल बहादुरी और फरिश्तराशी के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने गुलाम मोहिउद्दीन को पाकिस्तान पुलिस का बड़ा एजाज प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा, जिसे आज मौसूफ इज्जत मआब गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के दफ्तर मुबारक से वसूल कर रहे हैं।